नमस्कार, मैं बना रही हूँ आलू गोभी की भुजिया। देखिए, तीन कटे हुए आलू हैं, आधा कटी हुई गोभी है, दो टमाटर है, अदरक मिर्च है, लहसुन है, हरी धनिया है। इन सबको लेकर मैं बनाऊंगी आलू की भुजिया। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और दो ये बड़ी मिर्च है, इसको मैं तल कर निकालूंगी तेल में खाने के लिए, नमक छिड़कूंगी, वो भी मैं दिखाऊंगी। गैस पर मैं पानी चढ़ा दी हूँ गरम होने के लिए, बस हल्का गरम होगा और मैं उसमें डाल दूंगी ये गोभी कटे हुए, आलू, ये मीडियम आंच पे थोड़ा नमक डाल दे रही हूँ मैं इसमें। पांच मिनट के लिए ढक देंगे, पूरा पकाएंगे इसको। ये गोभी आलू पक गए हैं, हमें इन्हें गलाना नहीं है, बस पकाना है। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे, गैस बंद कर रहे हैं। ये मैं तेल गरम कर दी हूँ चार चम्मच डाल के, इसमें मैं पहले बड़ा मिर्चा लाल करके निकाल दूंगी। इन मिर्चे के ऊपर थोड़ा हल्का नमक छिड़क देंगे, इसे रख देंगे, ये खाने के संग खाते हैं। अब ये सब्जी बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की। देखिए, इसमें लहसुन, मिर्च, अदरक एक साथ में डालूंगी तेल में। आंच को मीडियम रखना है। ये मिर्ची फ्राई हो गई है, अब मैं इसमें डाल दूंगी गोभी आलू उबले हुए। मैं नमक उबालते समय मैं डाल दी थी, अब इसको पांच मिनट फ्राई करूंगी। देखिए, गोभी आलू इतना फ्राई हो गए हैं। इसमें हम डाल देंगे टमाटर, धनिया, दो टमाटर है, एक मुट्ठी धनिया है, साथ में डाल देंगे। इसको मिला के दो तीन मिनट पकाएंगे, ये पक चुका है। देखिए, आलू गोभी का भुजिया तैयार है। अब मैं गैस बंद करने जा रही हूँ। ये सब्जी मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये आलू गोभी की भुजिया तैयार है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।